वेलकम बैक टू आजादी लोग टू एवरी वन। आज मैं जी दाता दरबार लोग के लाहौर में हैं, दाता भी हजवेरी साहब के दरबार आए हैं हम। तो जनाब ये है जी एंट्रेंस, सबसे पहले तो एंट्रेंस से हमें तीन जगह पे सिक्योर किया जाता है, पहले चेकिंग होती है, फिर दूसरी चेकिंग होती है, फिर होती है जी तीसरी चेकिंग। उसके बाद जनाब ये देखें जी, ये जगह है जी जूतियाँ रखने की। सो हैरत की बात ये है कि इधर भी हमें जूतियाँ संभालनी पड़ रही हैं, जूतियाँ संभालने के लिए लोग रखे गए हैं। ये है जी दाता दरबार की एंट्रेंस, ये आप देख सकते हैं जी। आवाम का इस टाइम भी ज़ोरों शोर से रश है, रश नहीं टूटा। दाता साहब तो हम आ गए हैं, ये देखें जी इन्होंने चार अड्डे बनाए हुए हैं, एक वो जूतियाँ रखने वाला है, एक वो है, एक आगे है, एक जनाब ये है, उसके बाद एक हुआ। तो जनाब इधर लोग वजू करते हैं जो कि हाजिर लगाते हैं अंदर, और ये वजू के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है। साथ में मस्जिद का भी इस्तेमाल है कि अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें तो मस्जिद भी साथ है। ये थी जी हमारी अली हजवेरी एंट्रेंस उनके दरबार। तो जनाब आप देख सकते हैं कि उनके दरबार नहीं है, या फिर जो वैसे मजदूर लोग हैं जो शहर छोड़ के आते हैं, जो कि कह लें कि ताजर हैं इस तरह के, जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं वो फिर इधर करते हैं जी स्टे। ये आप देख सकते हैं लाइन से लोग सोए हुए हैं माशाल्लाह। ये कह लें जी आराम का है, लोग इधर आते हैं जिन लोगों को कह लें कि रोटी की तलब होती है, या फिर कुछ लोग जो कि रहायश नहीं होती जिनके पास, वो जनाब इधर आके स्टे करते हैं और इधर सोते हैं। इधर उनको ना कोई तंग करने वाला, ना कोई सिक्योरिटी हमला जो उनको तंग करें। बस ये है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और अपने आप को सिक्योर रखा जाए, क्योंकि आप अगर इधर सोते हैं तो इस चीज़ की किसी की ज़िम्मेदारी नहीं कि आपकी जेब से मोबाइल निकल जाए या इस तरह का कोई भी मसला हो जाए। जूतियों का भरोसा नहीं तो फिर। तो जनाब अब हम जा रहे हैं जी दरबार की तरफ, जो कि दरबार शरीफ है आ गया। तो ये मैंने आपको दिखाई जी, ये हमला है सफाई हमला जो कि हर टाइम इसको चमकाते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं लाइन से लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उसके बाद जनाब हम आ गए हैं जी दरबार के पास। ये देखें जी कबूतर, बहुत सारे कबूतर जो कि कह लें कि हर टाइम इधर ही रहते हैं और ना उड़ते हैं ना इधर से भागते हैं। हर मखलूक का कह लें कि अपना एक निज़ाम है, हर मखलूक को जिधर से अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है उधर से रिज़्क मिलता है। तो ये है जी दरबार के पास वाली जगह। ये देखें जी कुछ हाजरीन का कहना ये है कि ये उनके जनाब जो खिदमत गुजार थे, ये उनकी कब्रें भी उनके साथ ही बना दी गई हैं। सो ये लगे हुए हैं जी, ये गले लगे हुए हैं, बड़े बड़े गले लगे हुए हैं और इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ये इतने नंबर गला और ये है जी इतने नंबर गला। उसके बाद जनाब लंगर का इस्तेमाल नीचे होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ जिधर लंगर खिलाया जाता है। उससे पहले जनाब ये सिक्योरिटी हमला बैठा हुआ है जो कि हर तरह के इधर का कह लें कि निज़ाम को देखते हैं, इधर के मामलात को देखते हैं। ये बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं, जब आगे मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने दरबार पीछे लाया गया। ये है जी मस्जिद का एरिया माशाल्लाह, ये मस्जिद का एरिया जनाब, बड़े बड़े पंखे लगाए हैं। जब हाजरीन जुमे के वक्त नमाज के लिए हाजिर होते हैं तो ये कह लें कि आप पूरा दर मस्जिद बढ़ जाती है, क्योंकि आउट ऑफ सिटी से कुछ लोग आउट ऑफ सिटी से आते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, वो फिर इधर स्टे करते हैं, इधर उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी तरह का मामला नहीं। सो अब आगे जी हम मस्जिद के एरिए में, इधर सामने वाली साइड पर एक बड़ी सी मस्जिद है जहाँ के लोग इस चीज़ का अहतमाम करते हैं नमाज का। तो इस टाइम तो मस्जिद बंद है लेकिन लोग जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है वो बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये है जी मस्जिद का एरिया, फ़िलहाल इन्होंने दरवाजे बंद रखे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि रात का टाइम हो चुका है, सो नमाज ही नहीं इस टाइम होते, इस टाइम सिर्फ कहने के
जो लंगर खाने आते हैं या फिर जिनको जगह नहीं है जिनके पास, वो इस टाइम जो है ना इधर आते हैं और इधर स्टे करते हैं। उसके अलावा जनाब वो देखें जी उधर कुरान मजीद पढ़े हुए हैं। सो जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जो जिन लोगों ने कलाम इलाही पढ़ना आता है वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। ये सारा मस्जिद का एरिया, दरबार पिछली साइड पर रह गया, ये सारा जी मस्जिद का एरिया। सिक्योरिटी अमला खड़ा हुआ है, उसके बाद जनाब सफाई वाले इधर मौजूद हैं, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। उसके बाद इन्होंने एग्जैक्ट एरिया बनाया हुआ है, ये हंगामी सूरत में ये रास्ता इस्तेमाल करें, तो अगर कोई हंगामी सूरत होती है तो उनको एग्जैक्ट एरिया वो वाला बताया हुआ है, उधर से आप क्रॉस कर सकते हैं दरबार। फिर इसी के साथ आपको अब दिखाते हैं जी दरबार के अंदर से और हाजिरी लगवाते हैं जी दरबार में। तो एवरीवन अब हम दरबार के पास जा रहे हैं हाजिरी लगवाने, तो आपको अंदर से भी दरबार दिखाते हैं। ये जो लोग दुआएं मांग रहे हैं, ये भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। तो ये गला नंबर 23 है और इसे कहा जाता है जी कह लें कि शफा वाला कुआं, जहाँ से जनाब लोग स्वाब समझते हैं पानी पीना या वजू करना। कुछ लोग इधर भी पढ़ाई कर रहे हैं, हाजिरीन हाजिरी लगवा रहे हैं, तो जिन लोगों ने हाजिरी लगवानी है ये है जी दरबार का एरिया। माशाल्लाह ये सारे जनाब अपनी सदाएं, अपनी दुआएं और अपनी मजबूरियां, अपनी तकलीफात, जिस तरह के मसाइल हैं वो सारे दाता साहब बता रहे हैं। ये दाता साहब ये देखें जी, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से अगर कोई VIP पर्सनैलिटी आती है तो उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है और वो फिर अंदर जा के हाजिरी लगवाते हैं। अदरवाइज़ ये बंद रहता है रात के टाइम, क्योंकि इस टाइम हाजिरी नहीं होती। तकरीबन जैसा कि हाजिर लगवा चुके हैं हम, तो हमने आपको दिखाया जी दाता साहब अंदर से भी। तो अब जनाब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी लंगर खाना, जहाँ के लोग बैठ के लंगर करते हैं और जो कि वसी लंगर इधर खिलाया जाता है, तो किसी तरह की रोक टोक नहीं है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। जिन लोगों को खाना नहीं होता तो उनको फिर इधर बैठा के लंगर भी करवाया जाता है। जनाब मैं नीचे जा रहा हूँ आपको लंगर खाना भी। तो ये है जी एग्जैक्ट नीचे जाने का रास्ता, वो है जी वॉशरूम का रास्ता, तो जनाब ये है जी लंगर खाना जहाँ के लंगर खोल दिया जाता है और दूसरी साइड पे जनाब लेडीज होती हैं, सो इस साइड पे जेंट्स होते हैं जो के इधर हाथ मुँह धो के फिर इधर जाते हैं जी सेक्टर 2 में लंगर करने। ठीक है जनाब, ये है जी लंगर खाना जहाँ के लोग वैसे ही लंगर होता है और 2 टाइम इधर लंगर खिलाया जाता है, कोई भी आए और खा सकता है, जो कि मुसाफिर है या इस तरह कोई भी, वो इधर लंगर कर सकता है इजी हो के, किसी तरह की परेशानी नहीं, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं। इधर बहुत सारी टूटियाँ लगाई गई हैं, तो बहुत सारा किस तरह का निज़ाम किया गया है जिसके बाद लोग इधर हाथ मुँह धो के फ्रेश हो के लंगर करें जी। ये जनाब आपको दिखा दिया हमने लंगर खाना, अब दोबारा से मैं जा रहा हूँ जी ऊपर। तकरीबन दोबारा से एक दफ़ा से हम तकरीबन ऊपर पहुँच गए हैं,
और मैंने आपको लंगर खाना भी दिखा दिया जनाब, मस्जिद भी दिखा दी और दरबार की हाजिरी भी लगवा दी आपकी, और वो दरबारी भी दिखा दी क्योंकि दाता साहब से मनते मांग रही है इस टाइम। दाता साहब ये हो गया, दाता साहब वो हो गया, काश कोई दाता साहब को भी सुनता ना वो भी बताते। इसी के साथ जनाब अब हम आपको कुछ और भी प्लेसेस दिखाएंगे, उसके बाद ये आप देख सकते हैं। अब दोबारा से मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ और एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आपको दिखाता हूँ जो कि इन्होंने ख़ास अहम की हुई है, और पता नहीं क्यों बट वो अहम है। यहाँ देख लीजिए और गला तो जनाब ये है जी हुजरा बाप जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये है जी हुजरा तकाफ जहाँ के वो तकाफ करते थे, और इसके अंदर के भी आपको मनाजर दिखाते हैं इसके अंदर क्या मनाजर है। तो ये था जी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का हुजरा तकाफ जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और आपने देखा कि कैसे महकते महकते लोगों की स्मेल आ रही थी, और ये कुछ और मज़ीद हस्तियों की आपको खबरें दिखा दी जनाब। अब हम जा रहे हैं जी जनाब इधर से कलेक्ट करने, तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ये आपको जनाब हमने दिखा दिया जी दाता साहब, दाता साहब का आपको पूरा मुनाजरा करवा दिया, ये आप देख सकते हैं। लोग बड़े मज़े से सो रहे हैं, और एक मज़े की बात बताऊँ, इधर जो पत्थर लगाया गया वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्मी लगती है ना, वो इधर आके स्टे करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं चल भी रहा हूँ ना तो मुझे पता लग रहा है यार इधर का पत्थर कितना ठंडा है। तो अब जो है जनाब मैं जा रहा हूँ जी बाहर की तरफ, तो जैसे ही बाहर जाएंगे हम आपसे लेंगे जी एक दफ़ा अलविदा, और आप हिसाब लगाएं यहाँ एक तो एंट्रेंस पे कुछ गले लगे हुए हैं, फिर दरबार के जो मलान गए हैं वो अलहदा से पैसे बटोर रहे हैं। सो लोगों ने इस चीज़ का ही कारोबार बना लिया, और कुछ लोग हैं दरबार के बाहर बैठे हैं मांगने, शुरू कहाँ से होते हैं जनाब, कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं, शेर को कारोबार बना लिया, कुछ लोगों ने मांगने का जरिया बना लिया। दाता साहब के पास बैठे हैं, जो मुरादे करने आते हैं वो फिर जनाब कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। सो अब मैं आ गया हूँ जी अपनी वापसी की राह पर, सो मैंने रखवाई थी चप्पल, उसके पूछता हूँ जी कितने पैसे, उसके बाद पहले मैंने बाइक स्टैंड पर लगवाई थी 50 रुपये मैंने उसके दिए। सो अब मैं चप्पल के पैसे पूछता हूँ और अपनी चप्पल लेता हूँ। सात नंबर चप्पल कितने जोड़े हैं? एक ऐसे लाइन चलो भाई ऐसे लाइन चलो प्यारे भाई, ये तो लाओ जितियाँ तो लाओ लाओ लाई लाओ। कितने पैसे हैं चप्पल के? खुशी से दे दो भाई। खुशी से क्या? खुद ही बता दें जनाब। पूछो पूछो कितने भाई वो बना हुए बंद करवा भाई बंद करो। सो एवरीवन ये मैंने चप्पल रखवाई थी जो कि इस जगह पे, तो इनको मैंने कहा जनाब कितने पैसे, तेरे बाहर ही गए यार, तो मैंने कहा कितने पैसे हैं, इन्होंने कहा जनाब खुशी से, मैंने चप्पल रखवा दी। फिर मैंने जब वापसी आया हूँ तो मैंने कहा जनाब कितने पैसे, इन्होंने कहा जनाब खुशी से दे दे, मैंने 20 रुपये निकाल के दे दिए, इन्होंने कहा जनाब नहीं 60 रुपये दे। ये खुशी है, ये खुशी तब होती है जब ऐसे कम दे, और जब ज़्यादा दे तब इनको कोई मसला नहीं होता। ये हाल है जी इधर खुशी का। सो आप देख सकते हैं ये दरबार का हाल। सो जनाब इसी के साथ इस व्लॉग में हमें इजाज़त दें, बहुत मज़ा आया दाता दरबार आपको दिखा के,
मुझे बहुत मज़ा आया अंदर आया। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊँगा। तो आज का व्लॉग था जनाब हमने भी जाता था बिहार। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ जी एग्जैक्ट इधर से। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए सब भाई बोला फिर।